नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम सीवी पर। आप देख रहे हैं मेरे साथ सिलसिला बाजारों का, मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी। और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की। जानेंगे रूपा जी से कि अब कृषि फसलों में आज क्या करके चलना सही रहेगा, कौन सी कृषि फसल आज अच्छा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले बिनौला खल से। रूपा जी देख रहे हैं बिनौला खल का मार्च वायदा आज भी 3000 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है, 3066 पर है और 3021 का भी लो लगा चुका है, लेकिन 1.25% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि कॉटन में हल्की सी रैली निकली है, आपको क्या लगता है उसका असर क्या अब बिनौला खल पर पड़ता नजर आ सकता है? क्योंकि देख रहे हैं बिनौला खल काफी समय से लगभग 2 सप्ताह से 3000 के लेवल्स पर ही ऐसे सुस्ती के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। देखिए बिनौला खल में अखिलेश अभी तेजी यहाँ से मुझे लगता है कि अब खत्म हो चुकी है, जो रैली आनी थी अब वो आ चुकी है, अब यहाँ से कोई बहुत ज्यादा तेजी का रुझान नहीं है। आज को हम देख रहे हैं कि कॉटन में भी थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है वायदा बाजार के अंदर, और वहीं उसी के चलते हम बिनौला खल में भी आज सपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन अब जो है बाजार सुस्ती के साथ है और अब बिनौला खल और कॉटन में आगे चलकर मुझे लगता है कि डाउनसाइड ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा कोई लंबी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, छुटमुट बाइंग आ सकती है, रेंज बाउंड रह सकता है। बिनौला खल 3000 से लेकर ऊपर में 3120 फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में बाइंग है और इंट्राडे में हो सकता है 3080 से लेकर 3100 का स्तर दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की तरफ मार्केट फिलहाल नहीं है जी। रूपा जी इसी के साथ बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन देख रहे हैं कि 37000 के अब ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है, कॉटन में भी अब 36000 के बाद अब 37000 का लेवल पकड़ा है, फिर से देख रहे हैं कि ठीक ठाक लेवल अब धीरे धीरे बनते नजर आने लग सकते हैं। आपकी क्या राय रहेगी कॉटन के ऊपर, क्या कॉटन एक बार फिर से 38, 39 या 40000 पर भी ट्रेड करती नजर आ सकती है? देखिए अभी तो फिलहाल अखिलेश मुझे लगता है कि कॉटन में रैली नहीं है, अभी 36000 नीचे में लेवल एक्सपेक्टेड है और ऊपर में 38000 की रेंज बन सकती है, लेकिन बाजार कंसोलिडेट हो चुका है इसी प्राइसेस के बीच में, तो मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा, अभी फिलहाल तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर कैसे सीड की, तो कैसे सीड में देख रहे हैं कैसे सीड ने एक बार फिर से 7000 का दायरा पकड़ लिया है, सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिल चुकी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। अब आपको क्या लगता है कैसे सीड यहां से क्या अब 7000 के ऊपर भी उछलने के लिए तैयार है? देखिए मार्च वायदा में देखा जाए तो अखिलेश 7000 के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं इसको जी। तो मुझे लगता है कि आज जो हाई भी लगा चुका है 7300 का, तो यहाँ से अब जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 7000 का नीचे में सपोर्ट बन चुका है, 7000 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 7500 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल इसमें रैली आ चुकी है, इसने ऊपर का एक अपना जो लेवल था वो उसको ब्रेक कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में 7500 के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं आज मसाला बाजार थोड़ा टूटता नजर आया है, देख रहे हैं धनिया अप्रैल वायदा 10970 पर है, जीरा देख रहे हैं मार्च वायदा 21225 पर और टर्मेरिक 9300 पर। रूपा जी आपको क्या लगता है जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट चालू है, शिपमेंट्स भी जो वहां के आवाजाही है उसकी वजह से इम्पैक्ट होती नजर आ रही है, ऐसे में क्या लगता है क्या मसालों में जो अच्छी रैली एक्सपेक्ट की जा रही थी क्या अभी भी देखने को मिल पाएगी? देखिए मसालों में फंडामेंटल सपोर्टिव है इसलिए ये रैली बनी रह सकती है, ये छुटमुट गिरावट है इसके चलते मुझे लगता है कि जिनकी बाइंग छूट गई थी वो बाइंग कर सकते हैं, मसालों का फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और तेजी में रह सकता है। हल्दी में बाजार जो है वो सुस्त हो सकता है, लेकिन हल्दी भी 9000 का सपोर्ट है, हल्दी के अंदर भी अगर उसको सस्टेन करता है मार्केट तो वापस से रैली में जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आती है उसमें बाइंग की रणनीति होना चाहिए। और अगले वायदों में अगर हम बात करें मार्च या अप्रैल में, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो फिलहाल इनके अंदर बाइंग में रहना चाहिए, जो भी करेक्शन आए खरीदारी करके चल सकते हैं। धनिया मुझे लगता है कि 12000 से 15000 का स्तर भी हो सकता है देखने को मिले, और जीरा भी 22500 से 23000 के आसपास सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का मार्च वायदा देख रहे हैं 10800 के लेवल्स पर है और जो ग्वार सीड है ग्वार सीड का मार्च वायदा 5900 पर। रूपा जी देख रहे हैं ग्वार ने अगर गिरावट भी दिखाई थी तो धीरे से थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है, आपको क्या लगता है क्या अभी एक ऐसी सीमित दायरे में रहेगा?
ग्वार में अभी रेंज बाउंड हो चुका है, ग्वार में देखिए वॉल्यूम काफी कम है और इन स्तरों पर फिलहाल डिमांड बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बाजार जो है एक सीमित दायरे में अटक कर रह गया है। 10,000 के ऊपर है लेकिन ज्यादा रैली पकड़ नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये सस्टेनेबिलिटी रहेगी इन्हीं लेवल्स के आसपास। फिलहाल जो एक रैली एक्सपेक्टेड थी वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड तो हो सकता है कि थोड़े से हैम्पर होते हुए दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल बाजार पॉजिटिव है, लेकिन अभी 10,000 से लेकर 11,000 के बीच में बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि मंडियों में तो ठीक ठाक दाम मिलते नजर आ रहे हैं अब किसानों को, जिससे किसान खुश भी है, आवकें भी बढ़ी हैं, लेकिन आवक बढ़ने के बावजूद भी जो दाम है अच्छे खासे मिलते नजर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से। और यूएस सोयाबीन फ्यूचर भी देख रहे हैं $1,660 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। उधर क्रूड की भी जो प्राइजेस हैं लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स भी इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, 7,900 सोयाबीन पहले ही देखने को मिल चुकी है, तो क्या यहाँ से सोयाबीन अब 8,500 भी जा सकती है? देखिए फंडामेंटल तो सपोर्टिव है और जिस तरीके से रैली आई है हो सकता है कि 8,500 का भी स्तर देखने को मिले, बड़ी बात नहीं होगी। और अभी बाजार जो है वो तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से फंडामेंटल के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो फसलें खराब है और अराइवल आने का भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, तो बाजार ये मान के चलिए कि काफी पॉजिटिव है, यहाँ से एक्सपेक्टिव है कि 8,500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज के लिए आप इंट्राडे में, जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है एग्री कम्युनिटीज में? देखिए मुझे लगता है कि धनिया के अंदर बाइंग करना चाहिए, धनिया और जीरा मुझे मसाले काफी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ से इनके अंदर बाइंग करके चला जा सकता है, अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनके सवाल आ रहे हैं लगातार। सबसे पहले है मसालों के ऊपर सवाल आ रहे हैं कि जीरे का फ्यूचर क्या रहेगा, क्या जीरे में अब यहाँ से ये जो लेवल्स हैं क्या इनमें खरीदारी की जा सकती है? रूपा जी, अक्सर लोग मसाले में पूछते हैं कि किन लेवल्स पर खरीदारी में रहें और मसालों में क्या करें। रूपा जी, अब देख रहे हैं कि कुछ जो लेवल्स हैं थोड़े नीचे आए हैं, तो क्या ये लेवल्स ठीक रहेंगे मसालों में खरीदारी के लिए? देखिए 20,000 के आसपास, मैंने पहले भी बोला था कि जीरा अगर 20,000 के आसपास आता है तो वहां पर बाइंग की रणनीति रखें, और 20,500 का लो लगते हुए हमने देखा है तो यानी कि 21,000 के नीचे फिसलता है तो वहां पर आप बाइंग बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सपोर्ट आएगा नीचे में 19,800 के आसपास का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 20,000 के घरों में ही आपको बाइंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसमें 19,800 से लेकर 19,200 नीचे डाउनसाइड की रेंज बन सकती है, उसको एक सपोर्ट स्टॉप लॉस मानकर बाइंग किया जा सकता है वायदा के अंदर। और आगे फिजिकल में अगर आप बाइंग करते हैं तो थोड़ा सा करेक्शन आने पर बाइंग कीजिए, पर एक्सपेक्टेड है कि जीरा अच्छा चमक सकता है आगे चलकर, और मुझे लगता है कि जीरे में आपको 22,500 से 23,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, एडिबल ऑयल को भी लेकर काफी सारे सवाल आ रहे हैं, दर्शक हैं जो जानना चाह रहे रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में क्या करना चाहिए। रूपा जी देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ दोनों ही ऐसे खाद्य तेल हैं जिनके जो प्राइसेस हैं अभी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे घरेलू प्राइसेस की बात करें, डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें या फिर इंटरनेशनल प्राइसेस की, दोनों ही मार्केट्स में इन दोनों तेलों के दाम आसमान पर हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है इन खाद्य तेलों में अभी क्या करके चलना सही रहेगा और आगे इनका जो कॉस्ट है कि कहां तक जाती नजर आ सकती है, जो प्राइस है कहां तक जा सकते हैं? देखिए खाद्य तेलों में अभी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको बाइंग करके आप चल सकते हैं, मानकर चलिए कि करंट लेवल से 15 से 20% का उछाल खाद्य तेलों में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और सीपीओ में भी तेजी आ सकती है, रिफाइंड सोया ऑयल में भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं ग्वार सीड 6,500 कब तक होगा? रूपा जी क्या अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ग्वार सीड 6,500 का लेवल दिखा दे? देखिए एक्सपेक्टेड है, मार्केट में रैली आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से अगर वापस से बाजार जो है वो बाइंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि देखिए आप इन लेवल्स के ऊपर भी हमने कुछ बहुत ज्यादा करेक्शन आता हुआ नहीं देखा है, गम काफी सस्टेन है, सीड जरूर लुढ़का है 6,000 के नीचे लेकिन वहां से फिर से 6,000 की तरफ आज हमने सीड को जाते हुए दिखाई देखा है, तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी है मार्केट के अंदर और कंसोलिडेट है प्राइसेस यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेड है कि 6,500 का स्तर बन सकता है। जी रूपा जी, दर्शक हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, ये सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी देख रहे हैं कि बम्पर आवके हैं और सोयाबीन में भी तेजी है, क्रूड में तेजी है, जो पूरे एडिबल ऑयल को
तेजी की ओर लेके जा रहा है। ऐसे में सरसों देख रहे हैं कि बंपर आवक के होने के बावजूद सरसों की जो कीमतें हैं अभी भी एमएसपी से ऊपर हैं, अट्रैक्टिव हैं और किसानों को अच्छा लाभ मिल भी रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरसों में अभी यहाँ से अभी और आगे तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए सरसों में बहुत ज्यादा तेजी की तरफ नहीं है, क्योंकि सरसों में अगर देखा जाए तो आपकी अच्छी खासी है, फंडामेंटल काफी देखा जाए तो प्रोडक्शन अच्छा खासा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सरसों में तेजी जो आ रही है, अदर एडिबल ऑयल के अंदर जो तेजी बन रही है उसका एक इम्पैक्ट जो है वो सरसों के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसकी खुद की मुझे लगता है कि फंडामेंटल इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन गिरेगा नहीं मार्केट, ये है। यहाँ से अगर बहुत ज्यादा तेजी नहीं भी आई तो गिरावट नहीं है फिलहाल, बाजार हो सकता है कि इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अदर एडिबल ऑयल पैक में जो तेजी बनेगी उसका असर छुटमुट आता हुआ दिखाई दे सकता है और कीमतें थोड़ा सपोर्ट ले सकती हैं। तो यानी कि यहाँ से लंबी तेजी की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ गिरने की भी उम्मीद नहीं है, बाजारों में हल्की फुल्की तेजी की तरफ मार्केट रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आई है और उस पर रूपा जी की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय अगर नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।